नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेट पर टुडे। मैं जावेद हूं। आज आपको एक वाकया सुनाता हूं। रीवा के पास मुकुंदपुर एक जगह है, वहां पर एक बाबा एक चबूतरे पर बैठे हुए थे। उसी दौरान एक दूसरे बुजुर्ग शेर पे बैठे हुए आ रहे थे। बाबा को इस बात की जब खबर उनके शागिर्दों ने दी तो बाबा ने कहा, ऐसे चमत्कारी बाबा की अगुवाई के लिए तो खुद चलना चाहिए। उन्होंने अब जिस चबूतरे पर वो बैठे थे उसको हुक्म दिया, चबूतरा अपनी जगह से चल दिया। शेर और बकरियों को एक ही बाड़े में रखा गया। कुछ इस तरीके के किस्से मशहूर हैं मुकुंदपुर वाले बाबा के। आइए आपको सीधे लेकर चलता हूं मुकुंदपुर और दिखाता हूं वहां पर 795 उर्स का आज तीसरा दिन है, क्या है वहाँ का नजारा। मौजूद हूँ मुकुंदपुर में हजरत शाहताजुल औलिया मुहब्बे अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर। यहाँ पर आज उर्स का तीसरा कुल है। लगातार जिस तरीके से आपको मैं आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा यहाँ का नज़ारा, साफ तौर से आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है, ये बताने के लिए पर्याप्त है बाबा को चाहने वाले कितनी तादाद में हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए, बाबा से दुआ करते हैं। ठीक पीछे बाबा की मज़ार है। यहाँ पर हमारे साथ इस उर्स के इंतज़ामकार मौजूद हैं। मैं इन्हीं से बात करूँगा किस तरीके का इंतज़ाम करते हैं, किस तरीके की यहाँ पर आप लोग को दिक्कतें आती, किस तरीके से खास इंतज़ाम करते हैं आप। दिक्कतें तो किसी भी प्रकार की नहीं होती है, इंतज़ाम हम लोग हर तरीके से करते हैं। जो भी हमारे जायरीन आते हैं उनके रहने खाने बैठने, मतलब इस तरह का इंतज़ाम होता है कि जो भी जायरीन आए वो भूखा पेट यहाँ से नहीं जाता है। भूखा पेट यही नहीं जाता, अभी आपसे और बात करूँगा। भूखा पेट यहाँ से नहीं जाता। हमने सुना है यहाँ पर आप लोग लाल भाजी और रोटी देते हैं, कोई खास वजह? जी हाँ, उनकी पसंदीदा चीज़ थी हया जिंदगी में, वो अपना पसंद करते थे, कहता कि चटनी लाल भाजी रोटी, वो तवर्रक के तौर पर यहाँ पर तकसीम किया जाता है आए हुए जायरीनों के लिए। बाबा को चाहने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, रोटी चटनी भाजी तमाम तरीके से, और भी क्या खास रहता है यहाँ पर? खीर, यहाँ पे खीर रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आम लंगर चलता है। अभी कल दूसरा पहला बात तीसरा कुल है, दो दिन में 6 क्विंटल रोटी खत्म हो चुकी है। दो दिन में 6 क्विंटल रोटी खत्म हो गई। यहाँ जितने लोग भी आते हैं उनको यहाँ पर आम लंगर में खाना दिया जाता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। जिस तरीके से आप लोग लगातार यहाँ पर लोग आते हैं, 3 दिन तक भारी भीड़ रहती है, तो कितने लोग लगभग आ जाते होंगे 3 दिन में? 3 दिन में कम से कम 3 लाख, 3 लाख आना जाना, 3 लाख लोगों। कैसे रातों दिन बराबर सिलसिला आना और जाना लगा रहता है। अगर आते ही रहें जाएं ना तो इस बस्ती में हमारी बढ़ जाएगा यहाँ। इस हम मुंबई से आए, हमारी पैदाइश मुंबई की है, हमारे वालिद साहब लोग सब यहाँ के थे, और जब से अभी तक हम लोग यहाँ पर चादर पेश करते आ रहे और आते रहेंगे इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी रहेंगी। और ये मेरा नाम मोहम्मद अंजुम शेख, मुंबई। जी बताइए। हमारा जो परिवार है पुश्तैनी यहाँ मुकुंदपुर का रहने वाला है, और हमारे 700 साल से हमारी पीढ़ी हजरत किबला जिनका उर्स हो रहा है शाहताजुल औलिया का, और हमारा जो परिवार है पुश्तैनी यहाँ मुकुंदपुर का रहने वाला है, और हमारे 700 साल से हमारी पीढ़ी हजरत किबला जिनका उर्स हो रहा है शाहताजुल औलिया का, और उन्हीं के साथ में उन्हीं के जहाँ यहाँ पर आए हैं, और हम दुनिया में कहीं भी रहें होली के 5वें दिन आपको यहीं मिलेगी इसी मुकुंदपुर में। और ख़ास कर एक ख़ास पैगाम दूँगा अपने देशवासियों को, इससे अच्छी भाईचारा मिसाल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हर किस्म के हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। मेरा नाम जाहिद हसन खान है और मुंबई में रहता हूँ। यह खासियत यहाँ की और कि यहाँ शादी का इंतज़ाम लोग लेके चलते हैं, यहाँ से शादियाँ भी सरकार लोगों को फिट करते हैं, औलादों की मान्यता भी बहुत ज़्यादा पूरी होती है। क्या कहेंगे यहाँ के साथ इंतज़ाम? बहुत अच्छा इंतज़ाम, आसाम निकलने। जैसा कि मैंने अभी कुछ लोगों से बातचीत की, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे, कोई मुंबई से आया है, कोई पन्ना से, तो ये लगातार यहाँ 3 दिन रहते हैं। मोहम्मद इदरीस।
मोहम्मद इदरीस साहब यहाँ लगातार 3 दिन रहते हैं, पूरा इंतजाम करते हैं। हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप? यहाँ तो बढ़िया तमिल में तमन चल रहा है बाबू जी, यहाँ दिए बाग और यहाँ के मुजावर वर्तमान समय तक यहीं पर मुजावर। और क्या बोलेंगे बाबा के लिए, कुछ बताइए? हम नहीं कुछ नहीं बताएंगे, बस बाबा की तो ऐसी ऐसी करामत है, अभी क्या बताएं बाबा की बहुत सारी। हाजी अबुल हसन बॉम्बे से तशरीफ लाए हैं, बॉम्बे से आने वाले 500 साल से हम लोग बाबा के दरगाह में आते हैं, चादर वगैरह पेश करते हैं, हमारा पूरा खानदान आता है, हमारे घर के 10-12 लोग गुजर गए तब भी लोग आते हैं, हमारा सिलसिले के लोग सभी लोग आते हैं मतलब, और आते रहेंगे आते रहेंगे। जिस तरीके से लगातार, जैसे कि मैंने कुछ लोगों से बात की, पन्ना वाले इदरीस भाई तो इंतज़ामकारी है आपके, मुंबई से भी कुछ लोग आए, तमाम लोग आते हैं। मुझे ये भी पता चला कि 3 लाख के आसपास लोग यहाँ 3 दिन में आते हैं। किसी तरीके की कोई परेशानी या बाबा के रहमो करम से सब कुछ बेहतर तरीके से? नहीं, ऐसा यहाँ कभी कुछ नहीं हुआ है। वो जो है यहाँ के बाबा वो सबको जो है पालनहार है, वो कभी किसी को किसी तरह की तकलीफ होने ही नहीं देते हैं। और आज तक जब मेरी उम्र 38 साल की हो गई है, अल्लाह का करम है, सरकार का रहम है कि आज तक हमने ऐसा कुछ सुना ही नहीं उसमें कि कोई अनहोनी हुई हो। मेरे को बोलने दो, यहाँ पर कमेटी पहले बहुत थी, बहुत कुछ थे, लेकिन जो इंतज़ाम हमारे यहाँ मोहसिन भाई के जब से हाथ में आया है, ऐसा इंतज़ाम तो शायद ही कोई कर सकता, ये मेरी तारीफ है। ऐसा इंतज़ाम शायद ही कोई कर सकता है, 3 लाख लोग 3 दिन में, तमाम तरीके की यहाँ पर दिक्कतें बिल्कुल नहीं आती। मैं मुकुंदपुर सी एच सी की तरफ से हूँ, यहाँ पे फ्री सुविधा प्रोवाइड कर रही हूँ, एनी केस ऑफ रिलीफ और वॉट एवर द इंस्टेंस एक्शन विल बी टेकन। और हमारे BMO से डॉक्टर सूरज ठाकुरिया सर हैं और हमारे यहाँ और भी डॉक्टर हैं, इन केस एनी इमरजेंसी विल हैंडल इट। बहुत कुछ थे, लेकिन जो इंतज़ाम हमारे यहाँ मोहसिन भाई के जब से हाथ में आया है, ऐसा इंतज़ाम तो शायद ही कोई कर सकता, ये मेरी तारीफ है। ऐसा इंतज़ाम शायद ही कोई कर सकता है, 3 लाख लोग 3 दिन में, तमाम तरीके की यहाँ पर दिक्कतें बिल्कुल नहीं आती, लोग आते हैं चले जाते हैं बेहतर तरीके से। मैं एक बार आपके स्क्रीन में फिर दूर दिखाना चाहूँगा नज़ारा, यहाँ भीड़ जिस तरीके से आ रही है, लोग अपने से आ रहे हैं जा रहे हैं, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ अपने आप कंट्रोल होती है। बाबा यहाँ पर किसी तरीके का किसी को परेशानी नहीं होती, लोग अपनी मन्नतें मानते हैं, उनकी मुरादें यहाँ से पूरी होती हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत यहाँ पर जो भीड़ है वो ये बताने के लिए पर्याप्त है। अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त। नहीं, अभी आप देख रहे थे मुकुंदपुर उर्ष का नज़ारा, वहाँ पर जाने वाले जायरीनों से बातचीत, इसको कहते हैं आस्था, आस्था का सैलाब। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बटन दबाइए, हमें लगातार उत्साहित करिए, जिससे हम इस तरीके की खबरें आप तक पहुंचाते रहें। आज के लिए इतना ही।